ये है हमारा फास्ट फ्लैशिंग, ये थोड़ा और कम हो गया। और अगर जो है ना बैकलाइट भी प्रेस करते हैं तो ये जो है ना इसमें ये बात मेरे को बढ़िया लगी। हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, हमने जो है ना अपनी हेडलाइट के DRL में एक LED कंट्रोलर इंस्टॉल किया था, और वो कंट्रोलर जो है ना ये है, आप देख सकते हैं ये जो है ना LED कंट्रोलर है, इसको LED डिमर भी कहते हैं हम। तो ये जो है ना मैं अपनी टेल लाइट में इंस्टॉल करने वाला हूँ। आप देख सकते हैं फ्रंट लाइट जो है ना कुछ ऐसा इफेक्ट दे रही है हमारा, पहले जो है ना डायरेक्ट रहती थी पर अब जो है ना ब्लिंकिंग पर आ गई है। तो बैक लाइट में इंस्टॉल करने से पहले जो है ना मैं आपको अपनी फ्रंट लाइट दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं फ्रंट में जो है ना मैंने ये इंस्टॉल कर दिया था कंट्रोलर, और ये जो है ना ऐसा इफेक्ट दे रही है, ये जो है ना कई तरह के इफेक्ट दे रही है। और अगर जो आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इससे जो है ना प्रीवियस वीडियो ही मैंने वो डाली हुई है, इसी LED डिमर पर थी, तो वो भी जाकर जो है ना एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। और कंट्रोलर जो है ना मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे सेट कर दिया था, ऐसे सेट किया कि ये जो है ना हाइड रहे, दिखे ना ज़्यादा, शो ना हो। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी जो है ना बैक लाइट डायरेक्ट है, तो ये जो है ना कोई भी इफेक्ट नहीं देती। अगर जो मैं ब्रेक प्रेस करूँगा तो इसमें जो है दूसरा पॉइंट जल जाता है बल्ब का, और अभी जो है सिंगल पर ही है क्योंकि हमारा जो है ना किल स्विच ऑन है। पर मैं चाहता ये हूँ कि अगर हमारा किल स्विच ऑन भी रहे ना तो ये लाइट भी जो है ना इफेक्ट करे जैसे हमारी फ्रंट कर रही है। तो ये इफेक्ट जो है ना इसी डिमर से होने वाला है, हमारे ये LED कंट्रोलर डिमर से। तो इसको जो है ना मैं सीट के नीचे इंस्टॉल करूंगा, और अभी जो है ना मैं सीट खोल लेता हूं और फिर आपको दिखाता हूं। और अब जो है मैं इसको इंस्टॉल करने वाला हूँ। पहले जो है ना हमको अपनी टेल लाइट की वायरिंग ढूंढनी है, जो हमारी बैक लाइट की वायरिंग है। तो इसमें भी जो है ना सेम यही चीज़ होने वाली है। तो ये आ रही है हमारी बाइक वाली वायरिंग से, और ये वाली वायर जो है ये है हमारी LED से। तो हमको जो है ना पहले अपनी बाइक वाली वायरिंग में देखना है। आप देख सकते हैं ये जो है ना हमको ब्लैक मिलती है यहाँ पर दो, और बीच में मिलती है एक ये सिल्वर, और साइड में मिलती है हमको वाइट। और सेम चीज़ जो है ना हमको यहाँ पर भी मिलती है, सेम वायर्स जो है ना हमको यहाँ पर भी मिलती है। ये सॉकेट जो है ना ये जाएगा हमारा LED के साथ, आप देख सकते हैं ये जो है ना LED में अटैच होगी ये दो वायर्स। ये जो है हमारी बाइक की वायरिंग्स है, जिससे कि जो है हमारी बाइक करंट देती है हमारी लाइट को, आप देख सकते हैं 12V-24। तो ये वायर्स जो है ना हमारी इसमें इंस्टॉल होने वाली है। और इसका भी वायरिंग डायग्राम जो है ना मैं आपको समझा देता हूँ। हमको जो है ना अलग से एक वायर ऐसी लेनी पड़ेगी, ये जो है ना अपने पास से ही लगानी पड़ेगी। पर इसमें भी जो है ना हमको कोई भी वायरिंग कट करने की जरूरत नहीं है। अगर जो आपको ये स्टॉक चाहिए ना बिल्कुल, कभी इसको निकालना भी चाहते हो, तो आपको जो है ना सीधा यहाँ से वायर से निकाल देनी है। ये जो है ना मैंने टेम्परेरी ही अटैच किया है। और ये जो है ना हमारी फुट ब्रेक के लिए है, ये ग्रीन वायर जो है ना मैंने फुट ब्रेक के लिए लगाई है। अगर मैं इसको ना लगाऊँ ना तो हमारी जो है ना फुट ब्रेक काम नहीं करेगी, मतलब कि जैसे हम फुट प्रेस करते हैं ना ब्रेक वाला, तो ये जो है ना ब्लिंक नहीं करेगी फिर। तो ये जो है ना लगाना ज़रूरी है हमारी फुट ब्रेक के लिए। ये जो है ना हमारा बाइक का सॉकेट है जो हमारी बाइक की वायरिंग से आ रहा है। तो ये जो है ना इसका नेगेटिव मैंने यहाँ पर लगा दिया ब्लैक में, और पॉजिटिव जो है ये है ग्रे में, और ये जो है हमारे फुट ब्रेक का है ये जो है वाइट में लगा हुआ है। सेम जो है ना हमारे यहाँ पर भी ऐसा लगा हुआ है, ब्लैक वाला जो है ना हमारा ब्लैक में ही लगा हुआ है। आप देख सकते हैं नीचे जो है ना एक वाइट और ब्लैक वाली वायर है, तो वो जो है ना नेगेटिव है हमारी LED लाइट का। और बीच वाला जो है ग्रे है, जिसमें कि मैंने ये वायर लगाई हुई है, जैसे कि हमारा बीच में ये वायर लगी हुई है, तो वैसे ही जो है ना सेम हमारी बीच में ये वायर लगी हुई है रेड। और फुट ब्रेक के लिए यही सेम वायर जो है हमारी यहाँ से घूमकर ऐसे आ रही है, और वायरिंग हमने को कट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी इसमें। और अभी जो है ना थोड़े बहुत इफेक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो अभी जो है ना मैंने ओपन ही किया हुआ है, और इसमें जो है ना कोई टेपिंग वगैरह भी नहीं की। तो टेपिंग वगैरह जो है ना मैं साथ में ही करूँगा, मतलब कि जब हमारी सीट लग जाएगी। तो ये है हमारा फास्ट फ्लैशिंग, ये थोड़ा और कम हो गया, थोड़ा और कम स्लो हो गया, और ये जो है ना फिर से अपनी वही तेज़ वाली स्पीड पर आ गया। और अब देखते हैं हमारा मोड वाला बटन, पहले जो है ना हमने स्पीड वाला बटन चेक किया था, अब जो है मोड वाला बटन चेक करते हैं। मोड में जो है हमको फ्लैशिंग मिलती है, और ये जो है ना फेड इन फेड आउट है, फास्ट वाला है बहुत, और ये थोड़ा कम हो गया, ये फिर से वही आ गया, ये और तेज़ हो गया, ये फ्लैशिंग पर आ गया, ये फेड इन फेड आउट कम वाला, और ये फेड इन फेड आउट ज़्यादा वाला। अब करते हैं हम अपनी लाइट वाली बटन की बात। तो लाइट जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ ना लाइट वाला बटन, ये जो है ना अपनी स्टॉक पोजीशन पर आ जाती है, जैसे हमारी स्टॉक वाली लाइट होती है हमारी बाइक में, तो ये जो है ना सिंपल उसी पोजीशन पर आ जाती है। और इस कंट्रोलर को जो है ना हम अपनी सीट के नीचे लगा सकते हैं, तो ये जो है ना ख़राब होने के चांसेस बहुत कम है। हालांकि ख़राब होने के चांसेस तो इसके भी बहुत कम है जो मैंने यहाँ पर इंस्टॉल किया है अपनी फ्रंट लाइट के लिए, तभी जो है ना मैंने यहाँ पर इंस्टॉल किया। और इसमें भी जो है ना अच्छी तरह से टेपिंग वगैरह कर सीट लगाकर, और इसको जो है ना एक ही मोड पर मैं सेट कर दूंगा,
जो मुझको इसका फेवरेट मोड लगा, फ्लैशिंग वाला या फेड इन फेड आउट जो मैंने आपको दिखाया। तो बाकी जो है ना, मैं इसमें टेपिंग वगैरह कर लेता हूँ और सीट लगा लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ एक बार प्रॉपर लुक। चलिए, सो गाइस सीट जो है ना मैंने यहाँ पर लगा लिया और किल स्विच जो है ऑन है हमारा और कंट्रोलर जो है लग चुका है। और ये मोड जो है ना मुझको सबसे अच्छा लगा इसमें। और अगर जो है ना हम अपनी बैक लाइट भी प्रेस करते हैं तो आप अभी इफेक्ट देखना एक, तो ये जो है ना इसमें ये बात मेरे को बढ़िया लगी, हमारी जो इसके अंदर LEDs है ना उनमें जो है ना दो पॉइंट है, तो अगर मैं अपनी बैक लाइट भी प्रेस करूँ ना तो ये जो है ना फिर भी फेड इन फेड आउट होता है। एक बार जो है मैं और करता हूँ, और ये कि मैंने बैक ब्रेक प्रेस, और अभी जो है मैं ब्रेक छोड़ देता हूँ, ये फिर से अपने उसी पर आ गई, मतलब कि हमारी डिम लाइट पर आ गई और ये जो है ना ब्राइट हो गई। तो पीछे से जो है ना लुक कुछ ऐसा आ रहा है, और रात के टाइम भी जो है ना लुक काफ़ी अच्छा आएगा। सो गाइस आपने देख लिया कि मैंने जो है ना ये कंट्रोलर कैसे इंस्टॉल किया, और इसी सेम कंट्रोलर जो है ना आप अपने DRL में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आप जो है ना इससे प्रीवियस वीडियो भी एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। और इस वीडियो को जो है ना ज़्यादा लंबा ना रखते हुए हम जो है ना इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। सभी बाइक्स में जो है ना हमको तीन ही वायर मिलती है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया मेरी टेल लाइट में जो है ना ग्रे वाइट और ब्लैक वायर थी, आपकी भी जो है ना ऐसी वायर्स हो सकती है कुछ, बस ये जो है ना सिर्फ तीन ही कलर में होगी। और आप भी अगर अपनी बाइक में इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं ना तो इसी तरीके से कर सकते हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।